बिटिया ओ मैया दर्द का ज्यादा होती है मैया मरी रात ही दया रे का है लला अरे लला लगुरिया दुई ईटे ले या बिटिया के ले दुई ईटे आहा अब लला ने घोलुआ तेल ले ये अरे भैया रे और टोपाज भी लेट ले ये और डोरा ले ये ठीक है हाँ बिटिया ओ मैया ने कुकरे बैठो तो ने को मैया नया रे मरी मेरा तो नया रे कुकरे बैठो ने को बिटिया ने का मैया अब ना करे नया रे बिटिया ओ मैया दर्द का ज्यादा बढ़ती है क्या का ओ मैया ऐसो करो बिटिया डेढ़े पाद की लट ना बिलो ना फटके का दिया बात हो जाए तुम आई बिटिया मैया अरे भैया रे मैया बिटिया मैं किधर जोर लगा हमें बहुत डर लगा तो हमारे किसान तो जा रहे भैया खून कच्चा हमें बहुत डर लगा तो अरे मैया अब कैसा अम्मा काका चाहिए वो यहाँ सौदा इस गाड़ी में लड़का पड़ो उठा दियो उसे उठा दो उसे बिटिया मैया नेक जोर लगाओ नेक कथके लाली मैया आई और अरे भैया रे ओ मैया आई आई भैया पुलिस में गए थे तो यार ये ना हो ये भैया और ये अम्मा हम हम आ जा मैया आ मैया भैया रे मैया आई नहीं आ रहे मैया ना हो रहो मैया उन्हें बुलाए थे ऐसे रात को रंजीत को भैया रे मैया आई 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 आ आ आ आ आ खराब हुई नारक धोके लला की छुनमुनिया कटी मैंने माथे पे जोत दी माथे पे छोटा और भाई लगा गोबर लगा दे गोबर हाँ हाँ लला होने होने लगाई थी मैंने किल्ले आ जाइए किल्ले आए और अरे अम्मा और गजरी हाँ भैया रुक जा एक मिनट रुक जा कहाँ भैया मालिक साहब स्टूडियो वाले जी जा कहाँ शेर सिंह मालिक साहब को यह प्रोग्राम को जहाँ पर भैया कौन है मालिक ओ लाला कान पर आगे देखो जा कहते ढोला ना हो तो ढोला ना सुने देख लो ढोला सुनो ऐसे ढोला हो तू लाला अमटिया भैया जब धनु को ना आई जब उन्ने को दया देना सोबर तुम्हें घर में डरी रहे ऐसी हम ना जानते और ये मो हम घर में घुसे यहाँ का पैरा ठाड़े रहा ओ लला के पप्पा हाँ वो चलू कहाँ गए तुम कहाँ करता होगे तुम ना दे सकता होगे ओ भैया सत्यवीर कहाँ ले लला देख ले आए के लला रंजीत और यम्मा जो रंजीत को है जी
जब मटी हमारी ना बात सुनते कताई ला जा पर टांग दे जा पर टांग दे पर का होते है सोऊंगा फेंके आए कितने दे कितने दे 100 रुपए दे तुमने न कम क्यों ले ले दुनिया रुपए पैदा करते स्टूडियो तुम्हें दूल्हा 100 रुपए दे जाके दूल्हा कहां जाए बिना रे स्टूडियो वाले भैया उन्हें के दूल्हा आएंगे भाई अंजलि दीदी की तो कहो तुम्हें जाओ कोई है हां जान ले जाओ चल ले ऐसे लला के बाबा ओ लला के बाबा लला के बाबा ओ लाला सुनना है रे गाना मरा के सिर सिंह तुम तक आ पाती तुम आ जाओ चली दे 100 रुपया दे दो खाली लिखा रखे तुम्हारी किस्म ले जाओ ताली देती है नाटो करम बता दे तुम्हारी ए 100 रुपया ना चट्टी है ना कच्चा है ना बनाना ही है भाई मत इन की सालो ताला और लला दे ना बेटा तू कहीं बैठो यार जल्दी दे अब भाई घोटी घोटी आया बाजी बन बड़ी तू तात बेचारी फरकावा तो परली होता चाह दे के 100 रुपया पेटना रो ना खचो तो रखी बे मालिक है जल्दी दे 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 लला दे दे 100 रुपया दे दे खाली दे दे ना लला कनन फनन मेरा सामान आते को तो फरिए मंगाई ना पे ते 4000 रुपया पा तो हरी रख सामान आहा मुता से हुए है बे बता से बाबा ओ लग बब्बा बब्बा ना देंगे को देख ले लो इतना लग बब्बा की अंधेरी करें दे दे तो ठीक पेट्रोल ने बटाया दी मैंने तुम्हारी यानी तू ना अपना बेकार कर लो जाके ऑन दे दे हेलो इधर मेरे प्यारे भाइयों जैसे ही मंजा रानी के संचित जन्म लेती है उधर राजा प्रथम के किला पर अष्टधातु की तोप लगी थी जिस पर शर्त थी कि जिस दिन तुम्हारे अंश वंश से संतान जन्म लेगी वह तोप बिना धागे चल जाएगी तो लाला क्या होता है मास्टर साहब जैसे जन्मो है लला मंझा के इतने तोप तो किला पे चल गई रे नरवार में और प्रथम ने भजवे की लगाए दही महलन पहरेला आज राजा प्रथम भजकर महल में पहुंचते हैं और एक रानी करके इनऊ सबूजे उनऊ सबूजे भैया के नने लला जन्म लोर अरे कौन सी रानी ने हमारे बेटी बेटा जनो है और पैटो है नरवंशी दुनिया पहना जान तो नहीं है नकार जी ईश्वर जाता रानी में सरजा रानी एक आखी कहानी थी लेकिन बहुत सयानी थी जान ताली है सुन भैया सरजा यारे रानी ने
छोरी जल्ला तन नयबान में और आगे होता है कौन से ढुलकिया काम पम्मू भैया डीएल औसान सिंह और बदमाश ये डीएल दूधिया पम्मू और बदमाश हमारे उस्ताद के लड़का हैं जग जग जी बाबर मास्टर साजक है बजैया और नैया तोर गेरे लगाए है घर की पार औसान सिंह बदमाश सतराम सिंह उनके भैया मास्टर जगत बड़ी रावय यादव जी की और पैया चलत कौली कपड़ा और मान बढ़ाए दे मेरे 50 रुपया से राख दे यादव जी ने मान और इधर सरजा रानी तुरंत जल्लादों को बुलाती है महलों में पूछा जाता है कि जब ये तोप चली कैसे है और कौन बोला बेजान तेरे नहीं नौकर ने लगाई है लैयन पैयन चलो पहुंच गो महल में उजाई है जब महल बनो सुरजा को नहन रही बतलाई है आज सुरजा रानी के सामने जल्लादों को बुलाया जाता है और राजा प्रथम के बारे में बातचीत होती किस तरीके से हेलो पप्पू भैया ये बतलाओ तुम ये क्या पूछना चाहते हो तुम ये पूछना चाहते हो ये तोप कैसे चल गई है तोप हाँ मैं बतलाऊंगी हाँ बताओ आज जो मंझा रानी तलुआ भंगी संती बन में मारने के लिए गए थे हाँ गए थे गए थे हाँ गए उन्होंने मंझा रानी का जिस वक्त चीरा बैठ किया मार दिया उसके अंदर पेट से गर्भ पोटरी निकली थी अच्छा वो पोटरी क्यों जीवित छोड़ दी है हाँ। नहीं मरी है वही पोटरी किसी सिंह ने खाई है सिंह के सिर पैदा हुआ है सिर पैदा हुआ है जल्लादों ने केवल मंझा रानी मारती गरीब पोटरी को नहीं मारा था अरे एक को मारो तो दो को धन्ना मारो तो समझ लो ये एक को मारा होगा इसीलिए जीवित रह गई आज जल्लादों ने कहा कि मैंने मंझा मारी मास्टर संती बन में अरे बीगन में मास फैलाए धोर संती जानवान में और मंझा को मास तो दयो तो प्रणा फैलाए पुटा
सुन भैयो झूठी संति बान मैं। अरे पोटली झूठ जाती है किसी सिंगन ने सिंह ने न सुन भैयो खाई लई संति बान मैं। और सिंह ने शेर को दयो है बन में अवतार। सौ रुपए का पुरस्कार खुशी राम यादव साहब केसरपुर के रहने वाले, इसी तरीके से विश्वास हो जाता है। अब पांच गांव इनाम में जल्लादों को दे दिए कि जाओ पांच गांव में राज करो। यहां पर ही राजा नल का जन्म है, इसके बाद हमारे डस्टोन की कहानी शुरू होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज बच्चा सबके होते जनने जनने होते हैं बैंड बाजे बजते हैं तमाशे होते रेस्टोरेंट होते है इधर। मेरे प्यारे भाइयों मंजा रानी उस ही सवेरे में, और ये कलम मंत्र पे लिखने जाएंगे हमारे अंकित भैया यादव जी हमारे केसरपुर निवासी हैं हमारे के लिए दे रहे हैं। जैसे ही उस बनी में बच्चे का जन्म होता है एकदम प्रकाश हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र चंद्रकेत थे, तीन वचन दे करके आए थे। जिस वक्त उन्हें चावल बनाया गया था मेरे प्यारे भाई, तभी कहा था कि न मैं किसी के घर में जन्म लूंगा और न किसी स्त्री का स्तनपान करूंगा और न मेरे नार काटने के लिए कोई गांव की दाई आएगी। हमारा नार काटने के लिए खुद देवी बहमाता दाई का काम करेंगी। इधर मेरे प्यारे भाइयों इसी तरीके से नारद मुनि ब्राह्मण का वेश धर के उसका नामकरण संस्कार करने आते हैं। उसी हिस्बरे में कि पलकिन करी अबार नारद मुनि ब्राह्मण धर भेष पलकिन देर लगाई है। बन पंडित जी ब्राह्मण पहुंचे ही सबरे में जाई है। मास्टर साहब आज ब्राह्मण का वेश करके आ जाते हैं और कहने लगे हे बेटी अपने बच्चे का नामकरण संस्कार करने के लिए हमें शीश घर में आए अपने बेटे का नाम रखवा लो। अरे महाराज हाँ मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। ये निशुल्क ब्राह्मण है कुछ नहीं लेते हैं, फ्री सेवा है हमारी तरफ से। कोई बात नहीं मेरे बच्चे का नाम रख दो, मगर मेरे बच्चे का नाम ऐसा रखना राजा सब नहीं आना चाहिए। मास्टर साहब आज दुखिया कहती है कि मेरे लाल का नाम रख दो, लेकिन नाम पर राजा का शब्द नहीं आए। अगर किस्मत में राज्य होता तो मैं इस ही सवेरे में बच्चे को जन्म नहीं देती। किस तरीके से मास्टर साहब अरे पहलो नाम धरो है बाण खंडी
खंडी किनारे किला पे जाकी झूमेगी झंडी तो सरो नाम परो है बनवारी बंजा लगेगी खास महतारी पेट में छलो जाके भोजन में बलो है रास को नाम जाको राजा नल है ए महाराज। हाँ हमने तुमसे कही थी राजा को नाम ना आना चाहिए। मास्टर आखा में भयो है लाला आखा में मरे गो आखा में भयो है लाला आखा में मरे गो लौट के राज जूतो नरवर को करे गो रास को नाम जाको राजा नल मरे गो मरने धरे तो लला को नाम विकट बनी के बीच साज तो अरे भ्रमर हो गए हैं अंतर धाला आज नामकरण संस्कार हो जाता है और इधर किस तरीके से लच्छी सेठ रोज की तरह गंगा नहाने के लिए जाते हैं और किस तरीके से उस दुखिया से मिलाप होगा भैया। चलो सुबह हो जाएगी अभी 4 बजे का टाइम है। बिल्कुल हम तो रोज जाते हैं गंगा नहाने के लिए। हाँ आज भी चलेंगे। चलो रथला तैयार करो एकदम चलते हैं। हाँ तैयार है धरस मतलब मैंने। चलिए भैया चलिए। कौन बड़ावे जाल देर नाए सेठ जी ने ढोलकिया लगाई रे ज्यादा तो बड़ा और सेठ जी संति बन में पहुंच गए हैं फिर ना जाए ए भैया ये बच्चे की आवाज आती है मालूम पड़ता है इसमें कोई दुखिया रो रही है आवाज लग रही है। हाँ और कोई दुखिया परेशान है। देखो बच्चा भी रो रहा है परेशान है। चलो देखते हैं। चलिए आज वो दुखिया ज्यादा परेशान उस सवेरे में बैठी थी कहने लगे कोई मानुष हो तो आवाज दो भूत प्रेत हो। भैया ऐसा भी हो सकता है ईश्वर जंगल है इसमें हवा बिहार कोई हो। बिल्कुल हाँ कौन है तो वो दुखिया कहने लगी भूत प्रेत के चक्कर में मत रहो आवाज साहब आवाज मार के देखें मास्टर साहब अरे भूत प्रेत के परदेसी धोके मत रहियो अरे मादा जान नग्न देता बैठी है मेरे में अरे परदेसी दिल की बता रही है दुखिया बात
आज मेरे प्यारे भाइयों सुखबीर अंचल और राजवीर राजीव तो तीनों साहबान 50-50 रुपए यानी 150 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वो कितनी अच्छी बात कहती है दुखिया, कहने लगी कि हम मादा दे नगिन हैं, अंदर मत आओ। इसके हाँ देख नहीं सकते इसको भैया। इस बिकट बनी के बीच में एक झोलिया में आवाज आ रही है, उधर हमें तुम्हें जाने का आदेश नहीं है। ऐसा करिए तीन नाम बोले तो 150 रुपया में राजीव और भूले गए भाई बोल रहे थे। लिखिए 150 रुपया 50-50 लिखिए। बेटी समझ कर, धर्म की बेटी समझ कर मैं तुम्हें आवाज लगाता हूँ बेटी। ये लो हमारे सिर की पगड़ी, इसे फार करके आधी अपने बच्चे के लिए फलनिया बना लो, आधी से ओढ़ करके बाहर निकल आओ। ठीक है भैया। आज वो दुखिया कहने लगी हमें, अबे बताओ कि हमें किस रिश्ता से ले चलोगे। सेठ जी कहने लगे तुम्हें धर्म की बेटी लेकर के चलेंगे। अरे भैया हाँ अब मुझे ले तो चल ले हो निकाल ले हो, मगर कौन से रिश्ता से ले चलोगे। अरे भैया भैया देख हमारे तुम्हारे कोई हमारी कोई बिटिया ना तेरे कोई भैया ना आए, इन्हें धर्म की बेटी लेकर के चलते हैं। इसको बेटी बनाओ। हाँ धर्म की बेटी लेकर के बेटी तो हमारे ईश्वर से बाहर निकल आओ। और ठीक है जैसे ही मेरे प्यारे भाइयों वहां से सेठ जी बढ़ते हैं, इधर चौपिया चौपिया ही कर रहे थे और किस तरीके से ये कहते हैं कि जू लाला प्यास लगी बहुत जोड़ गई। आओ बब्बा भाले आओ लोटी ने भैंसिया देख रही हो। हाँ ठीक है जाओ। तो अपनी लड़ी आई ठाणी कर दे हो। हाँ हाँ बहुत बब्बा ठीक ठीक है बब्बा इतनी जल्दी बिल्कुल इधर वही ग्वाला जाकर के और बड़ी इंत पहुंच जाते हैं। अरे ओए ओए ये ना बा आज गई गाड़ी तुम्हारी बिल्कुल ही ना बा ये